आपके जीवन में जब कोई समस्या आती है, आपकी आंखें खुली हैं, समस्या दिख रही है, परेशानियां दिख रही है, लेकिन उसके बाद भी आप उस समस्या के समाधान के लिए क्या कहते हो? रुको, थोड़ा सोचने दो। बोलते हो, रुको थोड़ा सोचने दो। क्या सोचो? सब कुछ तो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, अब क्या छिपा है जिसको देखने की जरूरत है? सब तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप कहते हो रुको जरा सोचने दो। सोचने का मतलब क्या? और जब इंसान बैठता है, आप अपनी समस्याओं के बारे में जब चिंतन मनन करते हो तो क्या करते हो? चुपचाप बैठ जाते हो या आंखें बंद कर लेते हो? कुछ सोचते हो? कुछ दिखता है? कुछ दिखता है? कभी जब आंखें बंद करके हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं, और जब दृश्य दिखाई देने लगते हैं तो एक इंसान निर्णय करता है कि हाँ, मेरी समस्या का समाधान ऐसे 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 निकल सकता है, और तब जाकर समस्या का समाधान भी होता है और इंसान अपनी समस्या से मुक्त भी हो जाता है। तो वो जो तीसरी आंख है, वो कौन सी आंख है? वही विवेक की आंख है, वही बुद्धि की आंख है। और बुद्धि की आंख इंसान जितनी मात्रा में जागृत करता है, अपने आप को जितना विवेकशील बनाता है, उतना ही उपनयन संस्कार बेहतर तरीके से उसका होता है। एक बच्चे को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा, ज्ञान और जीवन का अनुभव देने की पूरी प्रक्रिया ही उपनयन संस्कार है। और उपनयन संस्कार सिर्फ एक दिनों का नहीं होता, ये संस्कार तो पूरे जीवन भर का है। जब तक एक बालक अपने गुरु के साथ रहता है तब भी उपनयन संस्कार चलता है, और गुरु के उस गुरुकुल से बाहर जब निकल जाता है, अपने जीवन में आता है, तो भी उपनयन संस्कार, यानी निरंतर वो विवेकशील बनते जाता है। एक बच्चे के विवेक की क्षमता 10 वर्ष में कुछ और होती है, 20 वर्ष में कुछ और होती है, 30 वर्ष में कुछ और होती है, 40, 50 और 60 में कुछ और होती है। 80 साल की उम्र में जब शरीर काम नहीं करता है, तो उस समय ये दोनों आंखें जब मोतियाबिंद से आकर्षित हो जाती है, जब धुंधले धुंधले दिखाई देने लगते हैं, जब एक चांद के जगह पे 3-4 चांद दिखने लगते हैं, तब भी ये आंख ऐसी आंख होती है कि एक घर का बुजुर्ग इंसान अपने नौजवान बच्चों को जो मार्गदर्शन दे देता है, वही सबसे अच्छा मार्गदर्शन होता है। होता है कि नहीं? बच्चे, घर के नौजवान, चाहे उनकी आंखें कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन वो गलती कर देते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग कह देते हैं, बेटा ऐसा मत करो, तुम दुखी हो जाओगे या तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तो जैसा बाबूजी घर के, दादाजी घर के, या दादी माँ घर के, नानी माँ घर के जो बोल देते हैं, वही उसके जीवन में घटित होता है। कैसे? आंखें तो अब कमजोर हो गई, आंखें तो दिख नहीं रही है, लेकिन उसके बाद भी वो कौन सी आंखें से इस जीवन को देख रहे हैं? वही जीवन के गहरे अनुभव के आंखों से जो विवेक विकसित हुआ है, जो बुद्धि विकसित हुई है, उस आंख से एक घर का बुजुर्ग देख लेता है और अपने नौजवान बेटे या बेटी को समझाता है ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो उनकी सुनते हैं वो जीवन के कष्ट से मुक्त भी हो जाते हैं। यही है उपनयन संस्कार। तो हम सिर्फ कर्म कांड बनाकर मत रखें उसको, उस उपनयन संस्कार को। और उसी के साथ आज की बात अलग है, पहले तो बच्चों को गुरुकुल में डालने से पहले बच्चों का मुंडन कर दिया जाता था, बाल मुड़वा दिए जाते थे, और जब तक बच्चा गुरुकुल में रहेगा तब तक उसके बाल सर पे नहीं आएंगे, मुंडन ही रहेगा, और जब तक वो पढ़ाई करेगा तब तक उसके सर पे बाल नहीं आएंगे। वो आज भी किया जा रहा है, आज भी हम मुंडन संस्कार करते हैं अपने बच्चों के साथ में, कि 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद में मुंडन संस्कार कर रहे हैं। क्या मतलब है उस मुंडन संस्कार का? क्यों करना? क्या सिर्फ बालों को काट देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? बाल तो हम अपने जीवन में दसियों बार कटाते हैं, कोई फर्क पड़ता है? लेकिन उसका क्या अर्थ है, उस मुंडन संस्कार का क्या अर्थ है? उस मुंडन संस्कार का बहुत गहरा अर्थ है। वो अर्थ, वो संस्कार ये कहता है कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में पैदा हुआ, माँ के गर्भ से जब आया है, तो पिछले जन्मों की कुछ चीजों को लेकर वो आया है, पिछले जन्मों के कुछ संस्कार उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम बच्चे को कुछ नई सीख देना चाहते हैं, नई शिक्षा देना चाहते हैं, तो उस बच्चे को नई शिक्षा देने के लिए कम से कम पुराने स्लेट को साफ तो करना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड पे अगर कुछ लिखना है
या व्हाइट बोर्ड पे अगर कुछ लिखना है गुरु जी को, तो पहले पुरानी लिखी हुई बातों को मिटाना पड़ेगा। तभी तो गुरु जी कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर बोर्ड मिटा नहीं हो, साफ नहीं हो, तो वो कुछ नई सीख नहीं लिख सकते। वो मुंडन संस्कार, जब बच्चे को स्कूल जाने का समय आता है और तब मुंडन संस्कार कराया जाता है, उसके पीछे का मर्म यही है कि पुराने जितनी चीजें ये लेकर आया है सबको हटा दो। और हटाएंगे किसका? इस मस्तक का। क्योंकि शिक्षा जाएगी तो जाएगी का, शिक्षित करते किसको है? इस हाथ को, पैर को? किसको शिक्षित किया जाता है? पेट को। इसको शिक्षित किया जाता है, मस्तिष्क को शिक्षित किया जाता है। इसलिए मस्तिष्क के ऊपर के जो कचरे हैं ना, उसको पहले हटा दिया जाता है, खाली करो इसको। यहां पे बच्चों के तालू को देखा आपने, तालू धड़कता है बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है, वो जो तालू है ना, उस जगह पे एक स्थान है जिसको ब्रह्म रंध्र कहते हैं। ब्रह्म कौन? ईश्वर। रंध्र छिद्र, यानी ईश्वर तक संपर्क करने वाला एक छिद्र होता है जो उस तालू के पास में होता है, और उसका, उस बालक का सीधा संपर्क ईश्वर के साथ होता है उस ब्रह्म रंध्र में। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे वो वहां की जो नरमी है वो सख्ती में बदलने लगती है, और वो स्थान कड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है तालू, लेकिन वो धड़कता है, वहीं पे ब्रह्म रंध्र है। अब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा कहां से ग्रहण करेंगे? आज की शिक्षा कैसी हो गई? आज की शिक्षा हो गई कि पुस्तकों से शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज की शिक्षा में और हमारे गुरुकुल की शिक्षा में बहुत गहरा फर्क है। सबसे बड़ी बात ये कि पहले स्कूल नहीं हुआ करता था, पहले गुरुकुल हुआ करता था। हमारे जो गुरु थे वो गुरुकुल खोलते थे। गुरुकुल और स्कूलों में फर्क क्या है? बहुत गहरा फर्क है। स्कूलों में शिक्षक होते हैं जिनको कुछ वेतन भी मिलता है, और जितना पैसा मिलता है उसके अनुसार से वो काम भी करते हैं। लेकिन गुरुकुल की बात अलग है। गुरुकुल का मतलब है हर बच्चा जो उस गुरुकुल में है वो गुरु के कुल का ही है, कोई और नहीं है, वो गुरु के खानदान का है, वो कहीं का नहीं है। जब तक वो उस गुरुकुल में रहेगा तब तक गुरु के ही कुल का रहेगा, यानी गुरु का बेटा या बेटी ही रहेगा, वो किसी और का बेटा या बेटी नहीं हो सकता। उस वक्त गुरु के आज्ञा के बिना उसके माता पिता भी नहीं मिल सकते जिसने उसे पैदा किया है, जब तक गुरु न चाहे, क्योंकि अब वो मेरे कुल का हो गया है। फिर गुरु एक छात्र को शिक्षा नहीं देते थे, गुरु अपने ही संतान को शिक्षा देते थे। तो संतान को शिक्षा देने में और किसी दूसरे छात्र को शिक्षा देने में फर्क होता है कि नहीं? हो जाएगा ना। जहां लगा कि ये मेरा है, वैसे ही आप अपना पूरा का पूरा कलेजा निकाल कर और पूरी के पूरे ज्ञान को निकाल कर रख दो कि बेटा सब सिखा दूं मैं तुमको, क्योंकि तू ही मेरा है, तू मेरे कुल को आगे बढ़ाएगा, तू मेरे कुल को आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन जब एक शिक्षक सोचता है कि नहीं, ये तो एक छात्र है, मेरा जितना काम है उतना मुझे कर देना है, आगे इसकी जिंदगी अच्छी बने या बुरी बने उसे क्या मेरे को लेना देना है, तो वो शिक्षक कितनी शिक्षा देगा? उतना ही देगा जितने से उसका काम चल जाए, ज्यादा नहीं देगा, दिल खोल कर नहीं दे पाएगा। लेकिन गुरुकुलों में ऐसा होता था, गुरुकुल में होता था। आज के गुरुकुलों से राम निकल कर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कृष्ण क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? उसमें से पांडव जैसे धुरंधर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? कारण यही है कि आज शिक्षक हैं जो सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं, खाना पूर्ति हो रही है, वो दिल से लगाव नहीं है, अपनी संतान की तरह मानकर उनको शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि सारी शिक्षाएं हो रही हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में या बच्चों के जीवन में कोई कल्याण नहीं हो पा रहा है। जब गुरु वशिष्ठ ने अपने गुरुकुल में बुलाया था चार राजकुमारों को, तो सुबह से शाम तक वो शारीरिक शिक्षा देते थे, शरीर से मजबूत बनाते थे, उन्हें समाज शास्त्र की शिक्षा देते थे,
समाज में भेजते थे, जाओ भिक्षाटन करके आओ, भीख मांग कर आओ, अनाज मांग कर लाना, कपड़े मांग कर लाना, और जो भी लाओगे पहले गुरु के पास रख दोगे, गुरु बंटवारा करेंगे कि किसमें इसमें कितना तुमको चाहिए, तुम्हारे भोजन का बंदोबस्त गुरु करेंगे, लेकिन भिक्षा मांग कर लाओ। भिक्षा क्यों मांगना? अगर राजा दशरथ से अगर एक बार गुरु वशिष्ठ कह देते तो आजीवन पूरे गुरुकुल को चलाने की धन दौलत और संपदा दे सकते थे राजा दशरथ। लेकिन राजा दशरथ का पुत्र जो राजकुमार है वो गांव गांव में जाकर भीख मांग रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि सबसे पहले भीख मांगना महत्वपूर्ण नहीं है, भीख के माध्यम से अहंकार तोड़ना महत्वपूर्ण है। अहंकार मुक्त करेंगे, भुला देंगे, मिटा देंगे, मुंडन संस्कार कर दिया, यानी कि पिछले समय के जितने भी तुम्हारे संस्कार हैं या जो भी चीजें तुम्हारे मस्तिष्क में जमा है, एक बच्चा जो 3 साल 4 साल 5 साल का होगा, राजकुल का बच्चा होगा, राजकुमार होगा, तो क्या वो जानता नहीं होगा कि मैं एक राजकुमार हूं? जान नहीं जाएगा, मेरे पिता एक राजा है, ये जान नहीं जाएगा। लेकिन गुरु वशिष्ठ के आश्रम में तो दूसरे भी बच्चे रहते हैं ना। कोई बच्चा आता है जो किसी लोहार का बच्चा है, किसी सुनार का बच्चा है, कोई व्यापारी का बच्चा है, कोई शिक्षक का बच्चा है, कोई धनाढ्य सेठ का बच्चा है, और कोई गरीब झोपड़ी में रहने वाला बच्चा है। तो गुरु ने बुलाया आश्रम पे, और बुलाते ही कहते हैं सबसे पहले तेरा मुंडन संस्कार, ये जो कचरा तेरे मस्तिष्क पे जमा है इसको हटाओ, भूल जाओ अब आज से कि तुम राजा के बेटे हो, भूल जाओ आज से कि तुम किसी व्यापारी के बच्चे हो, भूल जाओ आज से कि तुम किस कुल और खानदान से आए हो। सबका स्लेट साफ कर दिया, मस्तिष्क को साफ कर दिया। और जब शिक्षा प्राप्त करनी है, आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं अपने छोटे बच्चे। आपको पता है भारत की आजादी से पहले सबसे ज्यादा बुद्धिमान, पूरे भारत में सबसे तेज मस्तिष्क वाले लोग, प्रखर बुद्धि वाले लोग अगर निकले थे तो बंगाल क्षेत्र से निकले थे। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे सैकड़ों, रामकृष्ण परमहंस जैसे सैकड़ों महारथी निकले थे जो ज्ञान की गंगा बहा दिया था उन्होंने पूरे विश्व में। क्यों? बंगाल में आज भी एक संस्कार चलता है, छोटे बच्चों का मुंडन बहुत कराते हैं वो लोग, सिर्फ लड़के नहीं लड़कियों का भी मुंडन करा देते हैं। बिटिया अगर 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल की है मुंडन कराएंगे, उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो बेटियों का मस्तिष्क तेज हो जाता है, बेटों की पढ़ाई में मन लगने लगता है, और साथ ही जो बेटियों के बाल बड़े लंबे लंबे होते हैं, कलकत्ता की महिलाओं को देखोगे बाल बड़े अच्छे होते हैं उनके, लेकिन वहीं बिहार उत्तर प्रदेश और दूसरे क्षेत्रों में देखोगे नहीं होगा, क्योंकि लड़कियों का मुंडन कैसे करा सकते हैं। सबसे ज्यादा मुंडन कराया गया बंगाल में, नतीजा हुआ सबसे बुद्धिमान लोग वहीं से निकले। अब वो संस्कार मिट रहा है अंग्रेजी परंपरा के अनुसार से, तो देखो आज भी हालत वैसे ही होते चली जा रही है। हमारे उस गुरुकुलों को फिर से दोबारा वापस लाने की जरूरत है, और हर एक शिक्षक को अपने उस छात्र को अपनी संतान मानकर शिक्षा देने की जरूरत है, और गुरुकुल की परंपरा शुरू करने की जरूरत है। वो विज्ञान पढ़ा रहे हैं, वो समाज शास्त्र पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं गुरु वशिष्ठ, लेकिन शाम के वक्त में सूरज ढलने के बाद एक दूसरी शिक्षिका चली आती है, गुरु माता अरुंधति। गुरु माता अरुंधति आती है और बच्चों को, राजकुमारों को और दूसरे बच्चों को, गुरुकुल के सभी छात्रों को सिखाती है नृत्य कला, संगीत कला, गायन सिखाती है, गाना कैसे गाना, नृत्य कैसे करना, संगीत कैसे करना, वो सिखाती है। एक दिन की बात है, गुरु वशिष्ठ पूछते हैं, हे देवी, आप जिस शिक्षा को दे रही हो इस शिक्षा से तो मेरे बच्चे कोमल हो जाएंगे, मैं तो चाहता हूं कि वो मजबूत योद्धा बने, इसलिए मैं उनको घुड़सवारी सिखाता हूं, मैं उनको तीरंदाजी सिखाता हूं, मैं उनको भाला फेंकना सिखाता हूं, मैं उन्हें युद्ध कला सिखाता हूं, मैं उनको मजबूत बलशाली चट्टान जैसा बनाना चाहता हूं।
और आप ये नृत्य कला संगीत सिखाकर तो इनको कोमल बना दोगी। तो गुरु मारुंधति कहती है, चट्टान बनाओ मगर पहाड़ जैसा दिल मत बना दो, पत्थर दिल मत बनाओ, मजबूत इरादे वाला बनाओ लेकिन पत्थर दिल मत बनाओ। मैं जो शिक्षा दे रही हूं उससे उनका हृदय चक्र जागृत हो जाएगा, आप जो शिक्षा दे रहे हो उससे उनकी बुद्धि जागृत हो जाएगी। यानी गुरु वशिष्ठ जो शिक्षा दे रहे हैं उससे सभी गुरुकुल के छात्रों की बुद्धि विकसित होगी, और माता अरुंधति जो शिक्षा दे रही है कला नृत्य संगीत उससे हृदय चक्र जागृत यानी प्रेम जागृत हो जाएगा। हमारे गुरुकुलों में पहले मस्तिष्क के साथ साथ हृदय के चक्र को भी विकसित करने की कोशिश की जाती थी, आज की स्थिति में आज की शिक्षा में सिर्फ मस्तिष्क को जागृत करने की कोशिश की जाती है, हृदय चक्र को के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, हृदय चक्र निष्क्रिय हो गया है। यानी एक इंसान बहुत तेज बुद्धि का हो जाता है लेकिन वो मानवीय भावनाओं से भर नहीं पाता है, उसके अंदर प्रेम नहीं होता है। विश्व में दो घटनाएं घटी हैं जो बहुत बड़ी प्रेरणा देती है हम सभी को। अगर आप भी अपनी संतान या अपने भावी पीढ़ी को एक बेहतर नागरिक बनाना चाहते हो तो सिर्फ मस्तिष्क पर काम मत करो, उसके घातक परिणाम आते हैं। आपको मस्तिष्क के साथ हृदय पे भी काम करना पड़ेगा, तब जाकर दोनों का कल्याण हो पाएगा। इस धरती पे जहां हम बैठे हैं, ये भारत की भूमि, ये एक ऐसी भूमि है जहां एक महान गुरु पैदा हुए थे जिनको भगवान बुद्ध कहते थे। भगवान बुद्ध ने जिस शिक्षा को प्राप्त किया था उस शिक्षा में गहरे कण की बात की गई थी, अणु और परमाणु की बात की गई थी। भगवान बुद्ध ने ढूंढा था, देखा था कि कैसे मन के ऊपर तरंगे उठती हैं, कैसे जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक विचार आते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध ने देखा था। उस अपने मन के अंदर, शरीर के अंदर अणु और परमाणुओं के ऊपर भगवान बुद्ध ने काम किया था। भगवान बुद्ध की शिक्षा गई थी चीन के रास्ते से होते हुए जापान पहुंची थी। आज जापान एक महान देश है तो उसके पीछे जापान के लोग भी कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा के कारण से मेरा देश महान बन गया, ऐसा लोगों ने कहा है। लेकिन उसी जापान में एक और शिक्षा गई थी, हिटलर के वक्त में जर्मनी में एक आइंस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक था, अणु और परमाणु की खोज किया था और उसकी शक्ति और रहस्य को जानता था, समझता था। जब हिटलर का अत्याचार बढ़ने लगा था जर्मनी में तो उस जर्मनी को छोड़कर वो जाकर शरण लेता है अमेरिका में। अमेरिका में आइंस्टीन शरण लेता है और शरण लेने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को, ट्रूमैन को खबर जब मिलती है कि यहाँ पे एक महान वैज्ञानिक आया है जो अणु और परमाणुओं की शक्ति के स्रोत को और रहस्य को समझता है, तो ट्रूमैन ने बुलाया था, राष्ट्रपति ने बुलाया था और बोला था, आइंस्टीन आप मेरे देश में रहते हो, जो शिक्षा जो ज्ञान आपको प्राप्त है वो मुझे दो, मैं इस देश के कल्याण के लिए काम करूंगा। आइंस्टीन ने बिना सोचे समझे उस शिक्षा को दे दिया था ट्रूमैन को, और ट्रूमैन ने उस अणु और परमाणु के उस विज्ञान के रहस्य को समझते हुए उसने एक बहुत बड़ा बम बनाया था, बहुत बड़ा बम बनाया था, और उस बम को ले जाकर जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया था, और एक बार बम के ब्लास्ट होने से 110,000 लोग जल के भस्म हो गए थे। एक शिक्षा बुद्ध की जाती है, उसी अणु और परमाणुओं की शिक्षा बुद्ध की जाती है और जापान का कल्याण कर देती है, और आइंस्टीन की शिक्षा भी जापान में जाती है और जापान का नाश कर डालती है। क्यों? कारण एक है, बुद्ध ने अपने मस्तिष्क को सिर्फ विकसित नहीं किया था, बुद्ध ने अपने हृदय को भी विकसित किया था। यही कारण है कि बुद्ध ने जब शिक्षाएं देने शुरू की थी तो बुद्ध के समय में एक आम किसान, एक अमीर इंसान, राजा महाराजा, बड़े बड़े सम्राट
चोर उचक्के और वैश्याएं भी उनकी शिक्षा ग्रहण करते थे। यानी बुद्ध का हृदय इतना विशाल था कि सबको समेटे चले गए बुद्ध, और आज लगभग आधी दुनिया बुद्ध के नक्शे कदम पे चल रही है। लेकिन आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक और ट्रूमैन जैसा राष्ट्रपति का सिर्फ मस्तिष्क विकसित था, तो जिसका सिर्फ मस्तिष्क विकसित होता है वो कल्याण को छोड़कर विनाश की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन जिसके मस्तिष्क के साथ हृदय भी विकसित होता है वो कभी किसी की हानि या अहित करने की कोशिश नहीं करता है, कभी किसी का नाश नहीं करता है। यही जिंदगी का गहरा रहस्य है। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं अपने जीवन में कल्याण, तो हर बार अपने आप से पूछें, क्या मस्तिष्क के साथ दिल भी बढ़ रहा है, क्या करुणा भी जग रही है, या सिर्फ हम ज्ञानी बन रहे हैं, सिर्फ अक्षर ज्ञान मिल रहा है या ज्ञानी बन जाते हैं लेकिन दिल में प्रेम नहीं है। तो दिल में प्रेम नहीं है तो बड़े ज्ञानी लोग अक्सर अहंकार से भर जाते हैं और दूसरे साधारण लोगों को हीन भावना से देखने लगते हैं। यहीं से समाज और देश टूटता है और परिवार टूटता है। बोली माँ आदि शक्ति माँ भवानी की। श्री राम जय जय राम।